डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। दुमका से हमारे संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। दुमका में अभी भी कई दुकानें बंद हैं, इसी को लेकर दुकानदारों ने आज सड़क को जाम किया। उपराजधानी दुमका में आज दिनांक 2 जून को राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक 1 में दी गई छूट के बाद चहल पहल तेज हुई। कई दुकानें खुले हैं, वहीं कई दुकानें अभी भी बंद हैं। इसी बंद को लेकर कपड़ा और जूता चप्पल एवं अन्य दुकानदारों ने शहर के मुख्य बाजार टीन बाजार मार्ग को जाम कर दिया। जहांगीर ने कहा कि बाकी सब दुकानें खुली, यहां तक कि दारू की दुकानें खुली हुई हैं, हम लोगों की दुकानें खुलनी चाहिए। वहीं सुनील कुमार मिश्रा ने सरकार से मांग किया कि जूता चप्पल कपड़ा एवं अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। इन लोगों को सीओ और नगर थाना प्रभारी ने समझाकर प्रदर्शन समाप्त करवाया एवं मार्ग को खाली करवाया गया। जितने दिनों का था, हमने समाज का साथ दिया, हमने राज्य का साथ दिया, हमने देश का साथ दिया। हम लोग सभी तरह का जितने भी उपाय थे, जो भी सरकार की गाइडलाइन थी, हमने उसको पूरा किया। बट इस तरह का व्यवहार करना सरकार की तरफ से हमें उम्मीद नहीं थी। अगर आप दुकान खोलने की इजाज़त देते हैं तो हम दुकान खोलेंगे, नहीं तो हम इसी तरह डटे रहेंगे। देखिए क्या है कि अभी जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुकानों का जो है हम बैंक से लोन लेके रखे हैं, बैंक का EMI जाता है, ठीक है। हमारे बिजली के खर्चे जा रहे हैं, हमारा जो स्टाफ का खर्चा है वो जा रहा है, सारा का सारा पूरा करने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो दुकान खोलने की इजाज़त दें। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार मिश्रा, मेरा जूते का व्यवसाय। हमारे साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? गल्ला किराना दुकान खुली है, किताबी की दुकान खुली है, मोबाइल की दुकान खुली है, सुनार दुकान खुली है, दारू की दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम लोग सरकार का 70 दिनों का जो गाइडलाइंस है, हमने पूरी तरह से संपूर्ण तरह से उसको फॉलो किया है, लेकिन हमें कोई छूट नहीं दी गई है। हम इसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें अपनी दुकानें खोलने दी जाए। हमारे दुकानों में जो खर्चे हैं, भाड़े हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, हम उनका भरपाई हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी दुकानें हमें खोलने दी जाए। अगर दुकानें खोलने नहीं दी जाएगी तो ये आंदोलन इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।